होते बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट मिलने के बाद शुक्रवार को पहली बार भट्टू पहुंचे विधायक दूड़ाराम का पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और विधायक दूड़ाराम को भट्टू इलाके से भारी मतों से विजयी बनाने का आश्वासन दिया। इससे पहले शुक्रवार सुबह विधायक दूड़ाराम अग्रवंश की पावन धाम अग्रवा पहुंचे, जहां उन्होंने महालक्ष्मी व महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना कर फतेहाबाद विधानसभा के नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की। इस उपरांत विधायक आदमपुर विधानसभा के गांव शीशवाड़ के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। भट्टूकला कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं व समर्थकों को संबोधित करते हुए विधायक दूड़ाराम ने कहा कि 5 साल पहले उनके दिए आशीर्वाद के कारण ही वह भट्टू इलाके सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा पाए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर सक्रिय भूमिका निभाएं तथा मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इलाके में पिछले 5 साल से किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएं, ताकि हल्के में कमल का फूल खिलाकर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाई जा सके। दूड़ाराम ने कहा कि हल्के की जनता आगामी 5 अक्टूबर को पिछले 5 साल के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर कमल खिलाने का काम करेगी। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति बंसीलाल, अग्रवा विकास ट्रस्ट के महामंत्री ब्रह्मानंद गोयल, सतबीर दुबका, जिला संयोजक एससी मोर्चा, सरपंच बलजी जाजड़िया, ब्लॉक समिति सदस्य कुलदीप, पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी, हनुमान खदाव, अर्जुन सिंह राठौड़, राज माचरा, महेंद्र माचरा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।